दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। यमुनानगर जिले के रामपुरा गेंदा गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। तेंदुआ रात के समय कभी भी गांव में किसी भी बकरी तो कभी किसी के कुत्ते को उठाकर ले जाता है। तेंदुए की दहशत के कारण गांववासी रात भर सो नहीं पा रहे। रामपुरा गेंदा के लोगों की माने तो पिछले करीब 15 दिन से एक तेंदुए ने उनके गांव में पूरी तरह से आतंक मचाया हुआ है। विभागीय कार्रवाई का आलम यह है कि कई बार शिकायत देने पर भी अधिकारियों ने जनता को इस दहशत से निजात दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मजबूरी के चलते गांववासियों को अब खुद ही तेंदुओं को पकड़ने के लिए पहल करनी पड़ी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो घर में घुस जाते हैं अंदर, और कुछ बच्चे वैसे भी खेलने जाते हैं। ये नहीं पता कि उनको तेंदुआ कहाँ पर मिल जाए। वो बच्चे शाम को घर आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी हमें इस बात का भी पूरा भरोसा नहीं कि वो घर वापस आएंगे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ उन्हीं की इंतजार में। हाँ जी, पहरा लगा रखा है जी। हम ऐसे हैं जी, 8-10 लड़के ऐसे हैं जो कि सारा दिन इसी काम पर खड़े हैं। सरकार हमें कुछ नहीं देती इस चीज़ का। दहशत का माहौल है, सभी लोग डरे हुए हैं इस चीज से, इससे भेड़िए से। तो वन विभाग अधिकारी नहीं आते आपके पास? नहीं जी, कोई नहीं आता। जो बोलते हैं उनको जगह एप्लीकेशन देते हैं, लिख देते हैं कि जी आएंगे, यहाँ तक कोई नहीं आज तक आया। वही इस बारे में जब वन विभाग के अन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बारे में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यमुनानगर से रण सिंह चौहान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।